Hello everyone, my name is Sakshi. I would like to welcome you all to Impact Paramedical and Health Institute YouTube channel. आज हम थैलेसीमिया के बारे में जानेंगे. 8 मई एज अ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि इस बीमारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए. आज हम कवर करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, इसके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे कैसे डायग्नोस किया जा सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है. सो थैलेसीमिया, व्हाट इज थैलेसीमिया? थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर. इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड इट कैन फर्दर लीड्स टू एनीमिया. मतलब थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे पेरेंट्स से बच्चों में फैल सकती है और ये होती है ज़्यादातर हमारे जो खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका अगर ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, टूट जाते हैं वो, तो उससे फर्दर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया. इट इज़ कॉज्ड बाय वेरिएंट और मिसिंग हीमोग्लोबिन जीन्स. तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो बनता है हीम और ग्लोबिन का. हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, लाइक अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा जीन्स. तो हमारी हीमोग्लोबिन के कोई भी जीन अगर मिसिंग है या उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं थैलेसीमिया. पीपल विद थैलेसीमिया मेक लेस हीमोग्लोबिन, फ्यूअर रिसर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स देन नॉर्मल एंड इट कैन रिजल्ट टू माइल्ड और सीवियर एनीमिया. जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें खून की कमी हो जाती है जिससे कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम सर्कुलेट होते हैं और उनका लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से हमें अनीमिया हो सकता है. अब जानते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में. ये दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया. सो अल्फा थैलेसीमिया मैंने जैसे अभी की बताया आप लोगों को, जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी होती है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा. तो अल्फा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं उसकी प्रोडक्शन में, जीन में, तो उससे हमारा होता है अल्फा थैलेसीमिया. सो जानते हैं क्लिनिकल सिंड्रोम क्या होता है अल्फा थैलेसीमिया का. सो अल्फा थैलेसीमिया मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया कि हीमोग्लोबिन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी अगर सिंथेसिस कम होती है तो उसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है. एनीमिया जो है ज़्यादातर अल्फा थैलेसीमिया की वजह से होता है हमारे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर. और सीवियर एनीमिया होता है, सीवियर ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया होता है. और ये जो हमारा न्यूनेट्स, हमारे जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं उनकी डेथ का भी कारण बन सकता है. दूसरा है क्रॉनिक हिमोलाइटिक एनीमिया. हिमोलाइटिक मतलब ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. जो एक्सेसिव रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी उसकी वजह से बहुत ही घातक एनीमिया हो सकता है. एनीमिया होने के कारण हमारी जो बॉडी होती है उसमें पेल कलर का डेवलपमेंट होता है और हमारी जो पर्सन है उसको बहुत ही ज़्यादा थकान होगी, वीकनेस हो सकती है और उसके जो लीवर और जो स्प्लीन है वो भी लार्ज हो जाएंगे. सो दीज आर द क्लिनिकल सिंड्रोम्स. आई विल रिपीट, फिटल और नियोनेट डेल्थ विथ सीवियर अनीमिया, क्रॉनिक हिमोलाइटिक अनीमिया, पेल स्किन, वीकनेस, फटीग एंड एनलार्ज्ड लीवर एंड स्प्लीन. दूसरा प्रकार होता है बीटा थैलेसीमिया. इसको हम मेडिटेरियन और कूलीज अनीमिया भी बोलते हैं. कूलीज अनीमिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवर किया था कूली साइंटिस्ट ने. सो उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है. ये ज़्यादातर हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है हीमोलाइटिक अनीमिया. हीमोलाइटिक अनीमिया का मतलब होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका एक्सेस डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से अनीमिया होता है. बीटा थैलेसीमिया, हमारी जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन की, या तो वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है या वो कम मात्रा में बनती है, इसके कारण हमारा बीटा थैलेसीमिया होता है. इसके कारण क्या होता है, हमारे जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं जैसे कि HbF एंड HbA2, इनमें ऑल्ट्रेशंस आ जाती हैं, इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो चेंज हो जाती है. बीटा थैलेसीमिया को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं 3 भागों में. पहला है बीटा थैलेसीमिया मेजर, दूसरा है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और तीसरा होता है बीटा थैलेसीमिया माइनर. सो इन 3 टाइप्स के बेसिस पे हम क्लिनिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. क्लिनिकल क्लासिफिकेशन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी. तो जो हमारा बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है इसमें सीवियर कॉन्जेनाइटल हीमोलाइटिक एनीमिया होता है.
और जो हमारा बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है इसके अंदर सीवियर अनीमिया होता है, और जो थर्ड टाइप होता है बीटा थैलेसीमिया माइनर वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि जो हमारा पेशेंट होता है उसके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं। चलिए अब जानते हैं बीटा थैलेसीमिया को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हीमोग्लोबिन डिटेक्शन। हीमोग्लोबिन डिटेक्शन के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा टाइप का बीटा थैलेसीमिया है। जैसे कि अगर हीमोग्लोबिन का रिजल्ट हमारा लेस देन 5 आता है हमारी रीडिंग्स, तो इट मींस कि बीटा थैलेसीमिया मेजर है। अगर उसकी रीडिंग 5-10 आती है इट मींस कि बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया होगा। अगर हमारी हीमोग्लोबिन लेवल्स आते हैं 10-12 ग्राम पर डेसिलीटर इट मींस कि बीटा थैलेसीमिया माइनर हुआ है। दूसरा, हम पेरिफेरल ब्लड स्मियर बना सकते हैं, जिसमें कि हम वीनस ब्लड लेंगे, उसको स्मियर करेंगे स्लाइड पे और उसकी हम माइक्रोस्कोपी करके देख सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी साइज जो है, उनका जो शेप है वो हम पता लगा सकते हैं, जिसमें कि वेरिएशंस आती हैं। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका साइज छोटा हो जाता है, उनकी शेप जो है वो पुअर हो जाती है, और उसके अलावा काफ़ी सारे टारगेट सेल्स टीयर ड्रॉप शेप के सेल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये सब डायग्नोस कर सकते हैं हम पेरिफेरल ब्लड स्मियर के अंदर। इसके अलावा हम सीरम बिलिरुबिन टेस्ट कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट ज़्यादातर बड़े होते हैं इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया डिजीज़। और रेटिकुलोसाइट काउंट कर सकते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट का मतलब होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काउंट करते हैं हम, जो कि ज़्यादातर बड़ा होता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल इंडेसीज होती हैं, जैसे MCV, MCH, MCHC, इन सब का काउंट करते हैं, जिससे कि हमारे जो हीमोग्लोबिन है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी हम पता लगा सकते हैं। तो रेड ब्लड सेल इंडेसीज जो हैं वो ज़्यादातर रिड्यूस होती हैं। इसके अलावा WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट भी हम कर सकते हैं। WBC काउंट का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उनका काउंट करते हैं, जो कि ज़्यादातर बड़ा होता है। और जो प्लेटलेट काउंट है वो काफ़ी केसेस में नॉर्मल होता है, बट जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि मैसिव स्प्लीनोमेगैली होती है, यानी कि जिनका जो स्प्लीन होता है उसका साइज़ ज़्यादातर बड़ा होता है, उन पेशेंट्स में जो प्लेटलेट काउंट है वो घटा होता है। चलिए अब जानते हैं इस बीमारी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो हम करते हैं दैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर, जबकि जो हमारा बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है उसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हमारी बॉडी में जब ज़्यादातर रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें आयरन होता है, तो हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ सकती है। उसको मेंटेन करने के लिए हम आयरन चिलेशन कर सकते हैं। आयरन चिलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो भी एक्सेस आयरन बना है उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इज फोलेट थेरेपी। फोलेट थेरेपी में क्या करते हैं, हम कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे कि जो हमारे फोलेट का मतलब होता है कि जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, फोलेट सप्लीमेंट्स। इसके अलावा जीन थेरेपी कर सकते हैं, जिसमें हम जो पर्टिकुलर जीन है जिसमें एबनॉर्मेलिटी आई है, जिस वेरिएशन की वजह से हमारा थैलेसीमिया हो रहा है, उस जीन को हम अल्टर कर सकते हैं जीन थेरेपी की मदद से। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। बोन मैरो के अंदर हमारे 2 टाइप के आते हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनते हैं, तो हम रेड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, उनको रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो बॉडी है उसमें ज़्यादा ब्लड कंजप्शन ना हो और आयरन के लेवल जो है वो मेंटेन रहे। धन्यवाद आपका अंत तक जुड़े रहने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको थैलेसीमिया के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। धन्यवाद।